नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक शेर समाचार से। एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये खबर लॉकडाउन जैसी स्थिति जैसी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि लॉकडाउन है, लेकिन खबर जो है वो बड़ी है। और क्योंकि कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव जो है वो बहुत ही घातक और खतरनाक होती जा रही है, ऐसी वेव जो थी, इतने संक्रमण के जो मामले थे वो फर्स्ट वेव में जम्मू के अंदर नहीं देखे गए थे, लेकिन इस बार वो भी देखने को मिल रहे हैं। उसी को देखते हुए प्रशासन बड़े बड़े फैसले जो था वो ले रहा था, और हम भी पिछले कुछ दिनों से सचेत कर रहे थे कि आपने जो फैसले लिए हैं उस पर दोबारा से दृष्टिकोण करें और वीक में 2 दिन आप लॉकडाउन लगा दें ताकि इस तरह की स्थिति ना बने, ताकि ये जो दुकानदार हैं, गाड़ियां वाले हैं, ये हैरान ना हो। लेकिन अब एक बड़ा फैसला लिया गया है एलजी प्रशासन की तरफ से, और इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से उन्होंने दी है कि उन्होंने कहा है कि कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू जो है वो जम्मू के अंदर लगाया जा रहा है आज शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक। ये कंप्लीट कर्फ्यू है, लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, और ये कहा है कि इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो जारी रहेंगी, असेंशियल सर्विस वो जारी रहेंगी, और जितने भी मार्केट हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे बंद रहेंगे। तो हम यूँ ऐसा लगता है कि जैसे लॉकडाउन जैसा ही एक फैसला लिया गया है, और एक दिन यानी कि आज रात को और कल एतबार का पूरा 2 दिन जो है वो बंद रहेगा, किसी तरह की भी किसी को छूट नहीं दी जाएगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कल वो बाजारों में घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो घरों से ना निकलें, और प्रशासन ने फैसला ले लिया है कि आज वो शाम को 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू जो है वो कोरोना की सेकंड वेव को देखते हुए उन्होंने लगा दिया है। पहले जो उन्होंने फैसला लिया था उसमें उन्होंने कहा था कि 50% जो दुकानें हैं वो एक दिन खुलेंगी, 50% दूसरे दिन खुलेंगी, रोटेशन वाइज खुलेंगी। उसका विरोध यहाँ पर जम्मू के अंदर दुकानदारों ने खुल के किया था, जो संगठन है उन्होंने खुल के किया था, और ये कह रहे थे कि आप वीक में 2 दिन लगा दीजिए, या वीकली लगा दीजिए, या 15 दिन आप लॉकडाउन लगा दीजिए, ताकि ये कोरोना संक्रमण की जो चेन है ये टूट जाए, और पब्लिक भी हैरान ना हो, दुकानदार बिजनेसमैन कोई भी हैरान ना हो, ट्रांसपोर्टर हैरान ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो थे 50% वाले फैसले से वो परेशान हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि या तो 50% आप अपना किराए में बढ़ोतरी कीजिए तब हम गाड़ियां चलाएंगे, वरना हमें तो नुकसान ही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजलों के दाम जो हैं वो भी आसमान छू रहे हैं। इसी के चलते ट्रांसपोर्टरों के लिए उन्होंने फैसला लिया था एलजी प्रशासन ने कि वो 50% पैसेंजर जो हैं, सवारी जो हैं, वो गाड़ी में बिठाएंगे, उससे ज़्यादा वो बिठाएंगे तो उन पर केस हो सकता है, उनको उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, फाइन हो सकता है उनको। लेकिन ट्रांसपोर्टरों ने इसके ऊपर पूरी तरह से बंद की कॉल दे दी थी, उन्होंने कहा हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, हमें नुकसान है, हम क्यों करें। लेकिन अब ये एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू जो है आज शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज को ही अलाउ किया जाएगा, और सभी की सभी मार्केट, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन सभी के सभी बंद रहेंगे। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक शेर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजेंद्र भगत जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।